हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर चैप्टर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में हम लोग डिमांड पढ़ चुके हैं कि डिमांड क्या होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक, तो पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, कि डिमांड ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको जिनकी वजह से डिमांड चेंज हुई, उसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? मतलब अगर मान लीजिए कि अब कोई पर्सन है, लेकिन एकदम से उसकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफर हो जाएगा ना, तो इट मीन्स कि डिमांड उसकी बढ़ गई। तो क्या रीज़न हुआ उसकी डिमांड बढ़ने का, उसका इनकम है ना, मतलब उसके पैसे ज़्यादा आ गए, इस वजह से हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यही है। क्लियर? तो इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन देखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिग्री ऑफ डिमांड का जो चेंज हुआ उसके डिटरमिनेंट्स की वजह से, तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, ये थ्री टाइप्स की होती है। देखो इस चार्ट के थ्रू समझो आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो थ्री टाइप्स की हुई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब कि ये जो मतलब फैक्टर्स हैं आपके, मतलब ये कैसे वो करेंगे, मतलब इसका जो डिमांड है वो क्या क्या इफेक्ट करेगा, या तो प्राइस की वजह से, या इनकम की वजह से, या फिर क्रॉप रिलेटेड गुड्स की वजह से। ठीक, तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम अगर देखें तो इसका पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इसके अंदर मेजर करने के तीन आपके सब वो हैं, मेथड्स हैं, जो कि परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट, टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, और पॉइंट मेथड यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम और क्रॉस नहीं है। क्लियर? इसके मेथड्स हम पढ़ेंगे। अब तो ज्योमेट्रिक मेथड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया रहता है, तो मे बी कि वो आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बट हमारे को इतना, ये जो पूरा मैंने आपको एक चार्ट बनाकर ओवरव्यू दिया, यही पढ़ना है। ठीक, लेकिन इससे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा देती हूँ, ताकि आपको पता रहे, उसके लिए हम देखते हैं। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई अगर कुछ भी चेंज हो रहा है डिमांड में, तो वो क्या है आपका, इसका इलास्टिसिटी कहलाता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है ये, क्योंकि पैसों का ही तो बात चलेगा ना इसके अंदर, है ना। ये चीज़ हो गई, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिग्री टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज इनकम, अगर डिमांड जो है वो पर्सन की इनकम की वजह से चेंज होती है, मतलब उसका इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके रिलेटेड गुड्स चेंज हो गए, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। क्लियर? तो ये तो हमने हल्का सा एक ओवरव्यू ले लिया, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर सीखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, ये वाला मेथड हम इसके अंदर पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे इस वीडियो को कवर करेंगे।